हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति डायरीज में आप लोग का बहुत बहुत मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोग को शुभ नवरात्रि। माता रानी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे और आप लोग के कृपा से मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखे। आज है माता रानी का पूजा का चौथा दिन। मैं माता रानी के लिए भोग बनाने जा रही थी तो सोचा वो रेसिपी क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर और सिंघाड़े के आटे का हलवा। आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी मैं बना रही हूँ तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, मैं नहा कर पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। जीत पूजा कर रहे हैं, मैंने पूजा कर लिया है। अब वो जब तक वो पाठ करेंगे तब तक मैं बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं उनके साथ आरती करूँगी। तो चलिए मैं किचन में आ गई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। मखाने को मैं 1 चम्मच घी में भून गई हूँ। मखाने भुनने में 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगता है। फिर गैस बंद कर दें और मखाने को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लें। खाना ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। 4-5 मखाने मैं ऊपर से डालने के लिए रख लूंगी, बाकी सबको मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। मखाने को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। कुछ मखाने मैंने अलग करके रखे हैं ताकि उसे बाद में मैं डालूँगी खीर बनने के टाइम। तो मैंने दरदरा पीस लिया है मखाने। दूध उबल गया है तो मैं इसमें मखाने को डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। गैस को एकदम धीमी आंच पर रखना है और चलाते रहना है क्योंकि मखाने जल्दी पक जाते हैं। आप इसमें किशमिश, काजू, बादाम डाल सकती हैं लेकिन मैं नहीं डालूंगी। मैं भी चीनी डाल रही हूँ, फिर मैं किशमिश डालूंगी और थोड़े से काजू डालूंगी और बस मैं इतना ही डालकर उतार लूंगी। आप अगर जो चाहे तो इसमें ढेर सारा पिस्ता बादाम डाल सकती हैं, बना सकती हैं। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब मैंने जो साबुत मखाने रखे थे मैंने वो डाल दिया है इसमें। अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक मैं गैस पर धीमी आंच में पकाऊंगी। अब ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि मखाने का खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस 5 से 6 मिनट लगे मुझे बनाने में। अब मैं सिंघाड़े आटे का हलवा बनाऊंगी। तो मैंने एक पैन गरम कर लिया, उसमें मैंने घी डाला है। अब मैं इसमें सिंघाड़े के आटे को डाल रही हूँ एकदम धीमी आंच पर। इसे हल्का भूनना है नहीं तो जल्दी जलने के चांस रहते हैं, इसीलिए हमेशा चलाते रहना है। इस आटे को मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ, हाथ को जल्दी जल्दी से चलाते हुए भूनना है इसे। अब जब ये भून जाए तो फिर गैस बंद करके इसे ठंडा कर लूँगी। आटा ठंडा हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें गुठली न पड़ जाए। तो मैं इसके सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये अच्छी तरह से मिल जाए तो फिर एक गैस पर मैं पैन को गरम कर लूँगी। ये अच्छे से मिल चुका है, अब इस गरम पैन में मैं ये डाल दूँगी आटे को और फिर इससे दोगुना पानी डालकर मैंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लिया। इसमें मैंने चीनी भी डाल दिया था तो अब ये बिल्कुल इसी तरह से बनकर रेडी हो गई है। एक थाली में मैंने घी लगाकर इस हलवे को जमा लिया है। अब आप इसे अपने तरीके से किसी भी साइज में काट सकती हैं ठंडा होने के बाद। तो मेरा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। मैं टप्पू के साथ मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना है तो मैं आकर आप लोगों से मिलती हूँ फिर।
क्योंकि मैं मार्केट में नहीं दिखा सकती आप लोगों को, तो इसीलिए आकर मिलती हूँ आप लोग से। मैं मार्केट से अभी अभी आई हूँ, कुछ देर हुआ है आई हूँ। आज मैं मार्केट सिर्फ ये लेने के लिए गई हुई थी, आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ यही लेना था मुझे। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।